आग, पानी, हवा, मिट्टी, पंजवी रूह, रूह, पंजवी रूह, रूह, चार अंसर, पंजवी रूह, पंजवी रूह, ए पंज अंसरा ने मिल के की कमाल मचाई पई है बाबा जी, कुछ इत्ते ते रोशनी पाओ। असल जड़िया जहर साहब पांच चीजा ने ना, चारे अंसर पंजवी रूह आ, मिट्टी ए, एदी कोई जात नहीं, कोई मजहब नहीं, ए पाको पाक आ, एदे विच पानी दाखल होया, ठीक है, वह भी जात और मजहब तो पाक और बहुत अच्छा पाको पाक, कोई ऐप फेल नहीं, ठीक है। हवाए उदी भी नबीयत यही है, आगे अग भी पाक साफ है, रूह है वह भी पाक साफ है। इंसान की सब तो बड़ी गुनाहगारी वाली चीज़ ये तो मालिक ने बड़िया पाक साफ इन लाइया ना, इन्होंने पंजा मौत आई। एक बाबा लभू शाह शायर हुए बड़े अच्छे, उन्होंने एक शेर फरमाया कि पंजा नाल मुहब्बत तेरी नित कने पंजा की पूजा। वाह वाह वाह, पंजा ने आ पंज खिलारे, एक दे नाल रले ना को दूजा, और पंजा दा तू बंदा बनियो, ए मसला तेनु कित्थों सुझा, लभू शाह कढ पंजा नू बार, तेनु फेर पवे पंजा दी पूजा। आहा हा हा, क्या बात है, इहदा मफहूम ए जे जी कि इंसान पंजा दा मालक ने बनाया कि ते जदों साहिब औलाद हो जांदा ना, इस वजूद चो पंजो भी बार है, इहनू अपनी भुल के उहदी पै जांदी है, उहदे नाल मुहब्बत हो जांदी है, कि इहनू अगर कंडा भी चुभदा ते तकलीफ बाप महसूस करदा, मां महसूस करदी। बिल्कुल इसे तरह, ते इह पंजा नू मौत भी नहीं, अखल असल इहनू मौत हैगी है इहदियां ख्वाहिशां नू, इहदियां तलबां नू, गुनाहगारी वाली चीज़ भी इहदी ना जिहड़ी ख्वाहिश ही आ, ठीक है, मैं बहुत गुनाहगार हाँ, मैं बदकार हाँ, मैं स्याग, वो इहदा इरादा है, यह तो पंजे चीजा मालिक ने बहुत पकीजा लाइया। वाह वाह, क्या बात है, इन्हां दे इहदा सानी कोई नहीं आया इन्हां पंजां दा, पंजां जजावां दा, पंजां जजावां दा, इन्हां आंसर दा, पंजां आंसरां दा कोई यानी कि जोड़ तोड़ ही नहीं है, ठीक है, और पकीजा ने। लेकिन मैं हमेशा इंसान नूं जदों देखिया है ना, एक सवाल किया किसी ने मौला अली सरकार नू कि या अली पाक अमीरुल मोमिनीन, जो तो कुछ नहीं सी, अल्लाह सी, ठीक है, उदो तुसी किथे सी, फरमाया उदो अल्लाह मकान सी, असी मकीन सा। उन्हें कहा हजूर हुण सब कुछ बन गया मौजूद है, तो या अली पाक हुण अल्लाह किथे, फरमाया हुण असी मकान अल्लाह मकीन। वाह 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 वाह, उदो अल्लाह मकान सी, असी मकीन सा, ठीक है, हुण असी मकां वा अल्लाह मकीन आ। कदी गौर करे इंसान, मेरी इल्तिजा है सब अगे कि तनहाई च बैठ के भी सोचे कि जिहड़ा बोलन डिया ना, इह किहड़ी हस्ती अंदर समा गई, कित्थों इह तार खड़क रही आ, किस तरह है, यानी कि जिस तरह बौंसरी खड़क रही है ना, उहदे सत सुराख है, इहदे नौ आ, फर्क इन्ना, इहदे दो वध ने उहदे नालों बौंसरी नालों, ठीक है, कन्न वा इह सुणदे आ, बोलदे नहीं, वाह वाह, अखां ने इह देखदियां ने, बोलदियां ने, नक वा सुंघदा, बोलदा नहीं, जबान है चखदी आ, बोलदी इह भी नहीं, अच्छा, हथ ने फड़दे ने, बोलदे नहीं, पैर आ तुरदे आ, बोलदे नहीं, इह जिहड़ी जबान है ना, बोलदी इह नहीं, इह जबान दे इह ज़ायके दी हद तक करा, अच्छा, वेखना है कि चल बोलन वाली तो कश्ती कोई होर विच समाई है, ठीक है, उहदी तलाश करनी है, उहनूं जानना सी उह कौन सी। जदों फरमाया गया ना कि अपनी तलाश करो और अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो और कैसे हो, मैं आया नहीं हूँ, एक मकाम ते किसी ने फरमाया मैं आया नहीं हूँ, लाया गया हूँ, ठीक है, और उहदे भेजन दा की मकसद है दुनिया ते, की किस काम वास्ते आया है, और इन्हें की किरदार अदा करना है, और अपने किरदार नूं बाखूबी निभाएगा ते बेहतरीन इंसान ने, ते फरमाया गया बेबंदगी मूल ना पा सके, असी दुनिया ते बंदे कहला चले, और सजनों मेरे नालों ते डंगर चंगे जिहड़े घा खा के सानू दुध पिया चले। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है, लो जी ये बाबा मोहम्मद अकबर साहब साढ़े नाल मौजूद ने, और बड़े प्यारे, बड़ी बड़े सूफियाना जिहा, बड़ा रूहानी जिहा इन्हां दीआं गल्लां ने, और जिन्हां नूं सुन के दिल नूं एक सुकून जिहा मिलदा। बाबा जी हुण इह मैनूं दसो कि इह तुसीं जिहड़े पंज जजावां दी कारकरदगी दस दित्ती पूरी, मैनूं इह दसो कि इह फिर अगर इह पंजों चीज़ां पाक ने जी, ते फिर जिहड़ी चीज़ इहनां पंजों चीज़ां नूं नापाक कर दिंदी है, उह किहड़ी है? इरादा,
ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫੇਲ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਠੜੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਲਬਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮੁਖਤਲਫ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੈਫੀਅਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੈਫੀਅਤ ਆ ਜਾਣੀ ਇਹਨੇ ਕੈਸੇ ਹਾਲਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਾਗ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੇ ਭਾਵੇਂ ਲਾਲ ਹੋਵਣ ਕੜ ਕੜ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣਾ ਵਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਆਏਗਾ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਆਹ ਅਲਫ ਆ ਅਲਫ ਜ਼ਬਰ ਆ ਵਾ ਅਲਫ ਜ਼ੇਰ ਏ ਆ ਅਤੇ ਅਲਫ ਬੇਸ਼ ਓ ਆ